फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय दंड संहिता की धारा 312 से लेकर 318 के बारे में क्या कहती हैं ये धाराएं ये धाराएं कहती हैं गर्भपात के बारे में और ऐसे अपराध में सजा का क्या प्रोविज़न है इसके बारे में बताती हैं अगर किसी गर्भवती महिला का उसकी मर्जी के बिना गर्भपात करवाया जाता है तो ये एक कानूनन अपराध होगा अगर ऐसी महिला का गर्भपात माँ की जान बचाने के लिए करा जाता है ऐसी इंटेंशन से करा जाता है तो ये अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा चलिए सबसे पहले बात करते हैं धारा तीन के बारे में जो कहती है कि कोई किसी गर्भवती महिला का उसकी मर्जी से गर्भपात करवाएगा अगर इस तरह का गर्भपात उस महिला की ज़िंदगी बचाने के पर्पस से नहीं किया गया है तो ये एक अपराध माना जाएगा जिसकी सजा का प्रोविज़न भी किया गया है गर्भपात करने वाले व्यक्ति को तीन साल की जेल और सजा का जुर्माना होगा और या फिर दोनों ही हो सकते हैं यदि गर्भवती महिला के गर्भ में कोई बच्चा पल रहा है और ऐसे में उसका गर्भपात होता है ऐसे में अपराधी को सात साल की जेल की सजा और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा अब बात करते हैं धारा तीन की जो ये कहती है कि स्त्री की सहमति के बिना उसका गर्भपात करवाना अगर कोई भी व्यक्ति गर्भवती महिला की सहमति के बिना उसका गर्भपात करवाता है धारा 312 के अंतर्गत अगर कोई गर्भवती महिला का गर्भपात करवाता है यदि वो गर्भपात उस महिला के जीवन को बचाने के प्रयोजन से नहीं किया गया है तो ऐसे में यह अपराध माना जाएगा और जो कि दंडनीय होगा दोषी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा होगी या फिर ऐसा कारावास जिसकी अवधि 10 साल तक की होगी और जुर्माना भी लगाया जाएगा ये एक गैर जमानती अपराध होता है जो कि संज्ञेय अपराध भी माना जाता है तो धारा 313 भी इसी की बात करती है लेकिन इसके अंतर्गत अगर किसी गर्भवती महिला की सहमति के बिना उसका गर्भपात करा जाता है तो वो धारा 313 के लिए चार्ज किया जाता है चलिए अब बात करते हैं सेक्शन 314 की यानी कि धारा 314 के बारे में जो कि बात करती है कि गर्भपात करने के दौरान किसी की मृत्यु होना अगर कोई व्यक्ति किसी गर्भवती महिला का गर्भपात करने के आशय से ऐसा कोई काम करता है या करने की कोशिश करता है जिससे कि उस गर्भवती महिला की मृत्यु हो जाती है तो ऐसा अपराध करने वाले व्यक्ति को दंडित किया जाएगा जिसकी जिसकी सजा की अवधि दस साल तक कारावास होगी और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा चलिए अब बात करते हैं धारा 315 के बारे में जो कि बात करता है कि किसी बच्चे को जीवित पैदा होने से रोकना या फिर उसको जन्म के बाद मारने की कोशिश करना अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे के जन्म से पहले कोई ऐसा काम करता है कि जिससे वो बच्चा पैदा ना हो सके या फिर बच्चे के जन्म के बाद ऐसा कोई काम करे जिससे कि उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो ऐसा काम अपराध होगा और ये दंडनीय भी होगा जो कि 10 साल की कारावास या फिर जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा अब बात करते हैं धारा 316 के बारे में जो कि बात करता है ऐसे कामों की जो कि आपराधिक मानववध कैटेगरी के हों यानी कि कल्पेबल होमिसाइड टाइप के जो कि किसी जीवित अनजान बच्चे की मृत्यु करता है अगर कोई व्यक्ति किसी जीवित बच्चे की मृत्यु कर देता है तो वो आपराधिक मानववध का दोषी पाया जाएगा जो कि एक दंडनीय अपराध होगा और उस दोषी को 10 साल की सजा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा कल्पेबल होमिसाइड को हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं मान लीजिए ए जो है वो ये जानता है और ऐसा कोई काम करता है कि जिसके कारण गर्भवती महिला की मृत्यु हो सकती है या फिर उस कार्य को करने से गर्भवती महिला की मृत्यु हो जाएगी और उस कार्य को करने से गर्भवती महिला की मृत्यु हो जाती है तो ये अपराध मानव वध की श्रेणी में आएगा यदि उस महिला की मृत्यु ना होकर उसको क्षति पहुंचती है लेकिन उस काम के द्वारा उस महिला के जो गर्भ में पल रहा था बच्चा उसकी मृत्यु हो जाती है तो ये जो है वो आपराधिक मानव वध के लिए बुक किया जाएगा तो चलिए अब बात करते हैं धारा 317 के बारे में जो कि बात करता है कि किसी बच्चे के माता पिता या फिर उसको देख करने वाले व्यक्ति द्वारा 12 साल से कम आयु के बच्चे को किसी जगह पर छोड़ देना और उसको त्याग कर देना अगर कोई माता पिता अपने 12 साल से कम आयु के बच्चे को या फिर उस बच्चे की देखरेख करने वाले व्यक्ति के द्वारा उस बच्चे को पूरी तरह से परित्याग कर दिया जाता है उस बच्चे को पूरी तरह से परित्याग करने के इंटेंशन से उस बच्चे को किसी ऐसी जगह पर डाल देते हैं या वहाँ पर छोड़ देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं तो ऐसे में उस व्यक्ति को 10 साल की अवधि की कारावास और सजा या जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा अब बात करते हैं धारा 318 के बारे में अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे की डेड बॉडी को आ, किसी गुप्त स्थान पर गाड़ देता है या उसको नष्ट कर देता है तो और उस बच्चे की मृत्यु जन्म से पहले जन्म के बाद या जन्म लेने के दौरान ही होती है और ऐसे में जन्म को छिपाने का प्रयास किया जाता है कि कोई बच्चा पैदा भी हुआ था तो ऐसे में उस दोषी व्यक्ति को दंडित किया जाएगा जिसकी सज़ा होगी दो साल की और उसे जुर्माना भी देना पड़ सकता है तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो आईपीसी के सेक्शन 312 से लेकर 318 के ऊपर उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करिए शेयर करिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिए तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच